माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं, इनको बोलो कि जाओ वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पड़ो खूब। और जहां हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। और फिर मैं कहता हूं इसी हाल कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा, माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है। देखो जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए अब, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमला बना देता हूं। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। फिर अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है, आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश इन सब के काफले रुक जाते थे और माफिया का काफला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी, उसकी पैठ गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए अब। इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ने दो, उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। पहले अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था क्योंकि उपज का दाम भी नहीं मिलता था और चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच करके माफियाओं के हवाले कर दिया जाता था। हमने कहा भी नहीं माफिया नीचे तय करेंगे से देश की व्यवस्था को, प्रदेश की व्यवस्था कोई माफिया नहीं संचालित कर पाएगा, माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत
पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे, अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े धुरंधर हुआ करते थे पहले, सपा के लोग कैसे उनके सामने दुम दबा करके चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। जब ये चलते थे तो मुख्यमंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, मंत्रियों के काफिले रुक जाया करते थे, और सरकार बदली हमने कहा काफिले कोफले बंद होने चाहिए भाई, होटल होटल सब बंद कराओ आप। और फिर उनकी गर्मी को शांत कर दिया गया एक ही बार में, हो गया ना गर्मी शांत। तो जिनकी गर्मी शांत हो चुकी है उनको ये जातिवादी संगठन फिर से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पैदा होने देंगे क्या उनको? मत पैदा होने दो, ये रक्त बीज है। रक्त बीज जैसे पैदा होंगे फिर से गरीबों को प्रताड़ित करेंगे, सामान्य नागरिकों का जीना हराम करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करेंगे। इसलिए इनके सामने झुकने की बजाय दो टुक जवाब देने की आवश्यकता है। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर मत तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? कफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप कब जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रोग रोग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं कहा? राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। कांग्रेस हो सपा हो बसपा, देख रहे हैं ये सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं। बोल दीजिए, ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं, इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पड़ो खूब।